विद्या सागर विश्व वंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस्य विश्वाश्रयम साकारं श्रमणं विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय संस्कृति पर्वों की संस्कृति है, जहाँ कई प्रकार के पर्व होते हैं, जिसमें कुछ पर्व शाश्वत होते हैं, जो किसी निमित्त से प्रारंभ होते हैं वो नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। आज जो पर्व है रक्षाबंधन पर्व, ये नैमित्तिक पर्व है। और कुछ सामाजिक पर्व होते हैं और कुछ राष्ट्र से जुड़े हुए राष्ट्रीय पर्व होते हैं। पर्व में तीन अक्षर हैं, प, र और व। तो पापों का रग रग से विसर्जन करने वाला, पाप को दूर करने वाला पर्व होता है। तो जब ऐसे निमित्त मिलते हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति अपने पापों से, अपने कषायों से ऊपर उठने का प्रयास करता है, ये पर्व का सही उद्देश्य होता है। जब पिपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोषण आया और राजा श्रेणिक वहाँ भगवान की आराधना करने के लिए सबके साथ में पहुँचे और उन्होंने भगवान की वाणी का श्रवण किया और एक बार उन्होंने गौतम स्वामी से रक्षाबंधन की कथा सुनने का भाव प्रकट किया। तब गौतम स्वामी ने उनके लिए बतलाया कि उज्जैनी नगरी, जो बड़ी प्राचीन नगरी है, वहाँ पर एक प्रजावत्सल राजा श्रीवर्मा राज्य करते थे और वो बड़े ही धार्मिक थे, वो चंदन के समान थे, लेकिन उनके मंत्री जैसे चंदन से सर्प लिपटे रहते हैं, ऐसे उनके चार मंत्री बड़े ही दुष्ट प्रकृति के थे। जब महाराज ने अपने राजभवन के ऊपर छत से देखा कि श्रावक लोग अपने हाथ में अष्टद्रव्य लेकर के आराधना को जा रहे हैं, उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कौन सा पर्व है। तब मंत्रियों ने कहा कि जैनियों के साधु नसिया में आए हुए हैं और ये लोग उनकी आराधना के लिए जा रहे हैं। राजा ने सुना तो उसने कहा कि अपने को भी दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। सुनकर के मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा, जो स्वयं के धर्म का पालन नहीं करते थे लेकिन दूसरों के धर्मों से विद्वेष रखने वाले थे, और उन्होंने राजा से कहा कि जिन्होंने अपने हाथ में आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा दिया है, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और जिनके पास में अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, ऐसे लक्ष्मी के लिए अमंगलकारी जो होते हैं उनके पास जाकर के अपने लिए क्या मिलेगा। राजा ने सुन करके वहाँ पर कहा कि कोई अग्नि को देखे तो कभी जलता नहीं है, कोई विष का दर्शन करे तो कभी कोई जलता नहीं है और उससे कोई हानि नहीं होती। जो साधना करते हैं और साधना हमेशा सत्ता से ऊंची होती है, और अपने को उनके दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। ऐसा कहकर के राजा ने अपने कदम बढ़ाए तो उन मंत्रियों को मजबूरी में राजा के साथ में पीछे पीछे आना पड़ा। जो महाराज थे अकंपन राजा, जो महाराज थे अकंपन महाराज, उनको अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञात हो चुका था कि कुछ संकट संघ के ऊपर आ सकता है,
और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को निर्देश दे दिया कि कोई भी किसी से वार्ता ना करे, अपने ध्यान ज्ञान में लीनता को प्राप्त करके समय को व्यतीत करें। जब राजन वहाँ पर पहुँचे तो सारा संघ अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहा, कोई ने उनकी ओर उठा करके नज़र भी नहीं डाली। तो राजा उनकी साधना को कि इस प्रकार की साधना कर रहे हैं उससे वो प्रसन्न हुआ, लेकिन वो मंत्री वहाँ पर कि अपने अज्ञानता को छुपाने के लिए ये मौन धारण करना एक अच्छा साधन है, क्योंकि मौन धारण कर लो तो अपने ज्ञान का पता नहीं पड़ता। जैसे जब तक शटर नहीं खुलती तो दुकान का पता नहीं पड़ता, तो ऐसे ही जब तक ये मुख की शटर जो होंठ नहीं खुलते तब तक ज्ञान का भी पता नहीं पड़ता। तो वो वहाँ पर जो असमय में उन्होंने राग भैरवी गाई थी राजा को अच्छी नहीं लगी, और उसने वहाँ पर उस बात पर ध्यान ना दे करके और वो मन ही मन में उन मुनिराज की साधना की प्रसन्नता से वहाँ पर प्रशंसा करता हुआ और लौट रहा था। एक मुनिराज श्रुतसागर नाम के, जब गुरु ने उपदेश दिया था उसके पहले ही वो आहारचर्या के लिए निकल चुके थे, तो उनको ये आदेश मालूम नहीं था। और जब वो आहार करके लौट रहे थे तो बलि नाम का जो मंत्री था उसने कहा कि अन्यः तक्र पीतोयम्, ये भी कोई मठा छाछ पी करके ये भी कोई एक आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और जो बड़े संस्कृत के ज्ञाता थे, व्याकरण के समृद्ध मुनिराज ने जब ये शब्द सुने तो उन्होंने वहाँ पर कि तक्र पीतो, पीतो का अर्थ वहाँ पर पान करने के अर्थ में था, लेकिन श्लेष में उसका अर्थ पीत रंग याने पीला। तो उन्होंने कहा कि राजन लगता है आपके मंत्री के आँखों में पीलिया रोग, पांडु रोग हुआ है, और इनको छाछ मठा भी पीला दिखाई देता है, आपको इनकी आँख की कुछ चिकित्सा करानी चाहिए। और जहाँ वो कुछ बोलते हैं उस समय में जो बड़े ही निष्णात हैं वाद विवाद में, और वहाँ पर उनको अपने स्यादवाद नय के माध्यम से आधी घड़ी में ही पराजित कर देते हैं। और वो राजा के सामने पराजित हुए चारों मंत्री वहाँ पर कुछ बोलने में समर्थ नहीं रहते, तो कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो सभ्य लोग नहीं करते, और राजा उनको टेढ़ी आँख दिखा करके उनको चुप करता है और क्षमा मांगते हुए महाराज से अपने राजमहल की ओर प्रस्थान करता है। जो पराजित हो गए हैं मंत्री वो मन ही मन में बड़े खेद खिन्न होकर के लौटते हैं और प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं। जहाँ कहीं लोग आपस में बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उसमें अक्सर ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। कभी भी जहाँ बहस होती है उसमें व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सामने वाले को वहाँ पर ज्ञान में नीचा जो सिद्ध करता है, अक्सर वहाँ पर कषायों की परिणति जो है तीव्र रूप में झलकने लगती है। इसलिए वाद विवाद बहस से बचना चाहिए। लेकिन उन महाराज ने उस समय में उनके गुरु का आदेश ज्ञात नहीं था, और वो अपने गुरु के पास में आकर के और सारी बात का निवेदन करते हैं, तो गुरु सुनकर के बड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि वैसे तुम्हें उपदेश मालूम नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से संघ के ऊपर संकट आ सकता है। तो महाराज श्रुतसागर वहाँ पर कहते हैं कि मुझे जो आगम का वाक्य उस समय में स्मरण में रखना चाहिए कि विपरीत प्रत्यव माध्यस्थ भावम, जो विपरीत बुद्धि वाले होते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। माध्यस्थ भाव यानी
राग देश पूर्वक पक्षपात अभावो इति माध्यस्तम, ना उनसे राग और ना उनसे द्वेष, लेकिन मैं नहीं रख सका। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाएं जिससे कि मैं संघ की रक्षा में निमित्त बन सकूं, मैं संघ के ऊपर संकट आने में निमित्त ना बनूं। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि जिस जगह पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ है वहीं पर जाओ और वहां पर 8 पहर तक तुम ध्यानस्थ रहो, इससे जो है संघ का जो संकट है टल सकता है। सुन करके महाराज वहां पर अपने गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके और उसी स्थान पर आकर के हर्ष के साथ में और वो चारों दिशाओं में आवर्त करके और कायोत्सर्ग आसन में स्थित हो जाते हैं। जो प्रतिशोध की भावना से भरे हुए हैं, जैसे ही रात्रि होती है और वो बदला लेने के लिए तीक्ष्ण हथियार लेकर के और संघ की ओर गमन करते हैं, और रास्ते में जैसे ही मुनिराज को देखते हैं तो बड़े हर्षित होते हैं कि अपना तो इसी से जो है प्रतिशोध लेने का भाव था, संघ में तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, अच्छा रहा यहीं मिल गया, अपने को वहाँ तक नहीं जाना पड़ा। और उस समय में कि आपने ही पहले वाद विवाद किया था तो सबसे पहले आप ही हथियार चलाओ, तो बलि वहाँ पर साधु के ऊपर तलवार चलाने में मन में संकोच करता है। कोई कितना भी क्रूर पापी भी क्यों ना हो, साधुओं के ऊपर उपसर करने में उसको मन में कि इससे बड़ा तीव्र पाप प्राप्त होगा, वो घबराता है। और बलि कहता है कि मैंने पहले अपनी वाणी की तलवार चलाई थी, अब तुम्हें यहाँ पर इस तलवार को चलाना चाहिए। सब लोग वहाँ पर नानुकर करते हैं, तो फिर उनके लिए कि अपन सब लोग एक साथ में बार करते हैं, सबको पाप लगेगा तो एक सा पाप लगेगा। और उसमें कि जहाँ व्यक्ति जो सोचता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे भावों से एक साथ में जो है चारों तलवार उठा करके उनके ऊपर वार करने के लिए तैयार होते हैं। और वहाँ दिव्य शक्ति उनके लिए उसी अवस्था में किलित कर देती है, मानो वो चारों तलवार की जगह पर यदि वहाँ पर चवर होते तो वो वहाँ पर उनकी चारों दिशाओं से सेवा के लिए प्रातिहार के रूप में वहाँ पर शोभायमान होते। लेकिन वो तो क्रूर भावों से उन्होंने ये कार्य किया था। और जब जैसे ही सुबह होती है, भोर की बेला में लोगों का आना जाना होता है और दृश्य देख करके वो खबर थोड़ी ही देर में राजा तक पहुंच जाती है। राजा वहां पर आते हैं और उस समय में उस दृश्य को देख करके कि यदि ये घटना मेरे राज्य में घट जाती तो मेरे राज्य के ऊपर कलंक लग जाता, और ये मंत्री पूर्व से हमारे यहाँ पर परंपरा से इनके पूर्वजों ने भी सेवा की है, इसलिए उस समय में उसके मन में कि इनको प्राण दंड तो नहीं लेकिन इनको देश निकाला यहाँ से दूंगा। और उनके लिए वहाँ पर जहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं प्राण दंड के अधिकारी हैं, और महाराज वहाँ पर कहते हैं कि प्राण दंड जो है सही सजा नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति के लिए अपने प्रायश्चित के लिए अपने सुधार के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। तो राजा वहाँ पर जो जैसा सोच रहे थे उनके लिए दंडित करके और गर्दवार रोहण करके यानी गधे के ऊपर उनको बिठाल करके अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं। इधर महाराज जहाँ साधु एक जगह पर नहीं रुकते, बहता पानी निर्मल होता है, तो वो वहाँ से चातुर्मास आदि करके फिर बिहार कर जाते हैं, और बिहार करते 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 कई वर्षों में वो वहाँ जहाँ पर ये चारों मंत्री अपने पुरुषार्थ से मंत्री के पद को प्राप्त हो चुके हैं, दूसरी जगह पर हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं, जहाँ हस्तिनापुर में पद्म नाम के राजा थे और उनको प्रसन्न करके इन्होंने मंत्री पद को प्राप्त कर लिया था। और वहाँ एक राजा था जो पास में छोटा सा एक पहाड़ पर उसका
निवास था और वो वहाँ पर उपद्रव करके और वहाँ पर छुप जाता था, क्योंकि पहाड़ पर होने के कारण में नीचे वालों को उस पर विजय प्राप्त करने में दिक्कत होती थी। तो वो बार बार उनके लिए पीड़ा देता था, उनके मन में उसके प्रति बड़ा कि इसको मैं कैसे जो है अपने वश में करूं। और इन मंत्रियों ने पाखंडी का भेष बना करके उस राजा के पास पहुँच करके उसको बंदी बना करके ला करके पद्म राजा के लिए सौंपा। और जब राजा पद्म ने अपने दुश्मन को अपने सामने बंदी देखा तो वो बहुत हर्षित हुआ, और ज़्यादा हर्षित होने के कारण में वो नीति को भूल गया। और उस समय में जो नीति कहती है कि जब कभी ज़्यादा हर्षित हो और या कभी जब ज़्यादा क्रोधित हो तो उस समय में निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसने उस समय में ज़्यादा हर्षित होकर के और कहा कि आज मैं इतना खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे आज मैं तुम्हारी मांग पूर्ण करूँगा। और उस समय उन्होंने मंत्रियों ने वहाँ पर कि ये आप अपने पास में धरोहर के रूप में रखो, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूँगा। और जब ये मुनिराज का संग वहाँ पर आचार्य अकंपन के साथ में 700 मुनिराज जब वहाँ पहुँचे और उपवन के पास से निकलते हुए जैसे ही बलि की दृष्टि उन पर पड़ी तो पूर्व वैर उसको स्मरण में आ गया कि अरे ये तो वही हैं और अपना जो राजा है वो इनका भक्त है, यदि वहाँ की बात उज्जैनी को उसको पता पड़ेगी तो वो अपने को फिर यहाँ से दंडित करेगा, और इस बार तो प्राण भी बचे कोई भरोसा नहीं, उसके पहले मुझे कुछ करना चाहिए। और उसके मन में जहाँ विद्वेष का भाव पहले से भरा हुआ था, व्यक्ति सामने वाले को भी अपनी तरीके से ही देखता है, क्योंकि ये तो होती ही है परिणति कि जहाँ व्यक्ति पदार्थों को पदार्थों की तरह ना देख करके पदार्थों को या व्यक्तियों को अपनी तरीके से देखता है। क्योंकि कहा है, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश की कि वी सी द थिंग्स नॉट द वे दे आर बट द वे वी आर। हम पदार्थों को व्यक्तियों को वैसा नहीं देखते कि जैसे वे होते हैं, हम पदार्थों या व्यक्तियों को वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। तो जो स्वयं कलुषता से भरे हुए हैं उनको साधुओं में भी कलुषता दिखाई देती है और वो सोचते हैं कि इनके द्वारा हमारा अहित हो सकता है। जो अहिंसा धर्म के प्रतिपालक होते हैं, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, जो विपरीत बुद्धि वाले होते हैं उनके प्रति भी माध्यस्थता का भाव रखते हैं, उनका भी अहित का भाव कभी मन में नहीं करते। लेकिन वो वहाँ पर कि जो मैंने धरोहर के रूप में रखा है, पहुँच करके राजा पद्म से कि 7 दिन के लिए आप अपना राज्य हमारे लिए प्रदान करो, तो राजा ने जो पहले धरोहर में दे रखा था वहाँ पर उसको दे करके और स्वयं रणवास में प्रवेश कर देता है। और इधर बलि मंत्री ने जहाँ महाराज जिस नसिया में विद्यमान हैं वो एक पर्वत पर थी, उसके चारों ओर उसको घेर करके और वहाँ पर उसने हिंसक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। चारों ओर गेहूं को बो करके उनके रास्ते को और अवरुद्ध करने का कार्य भी उसने कर दिया। और वहाँ जहाँ पर घृणित पदार्थों को ला करके उनको जला करके उनके धुएं के माध्यम से जब उस धुएं का पान वहाँ पर संघ के द्वारा हुआ तो वो समझ गए कि संघ के ऊपर संकट आया है। और गुरुदेव अकंपन महाराज ने कहा कि ये अपने लिए परीक्षा का समय है, अब अपने लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके और ये संकट जब तक दूर नहीं होगा तब तक अपन अपने आत्मा के ध्यान में लीनता को प्राप्त करें और उसके माध्यम से अपना कल्याण अवश्य होगा। ऐसी भावना के साथ में सारा संघ पूरा जो है एक साथ में उनके आज्ञा को मान करके और चारों प्रकार के आहार को हर्षित होकर के कि ये अवसर जो है अपने निर्जरा का अपने लिए प्राप्त हुआ है, और वो उसमें लीन हो गए। जहाँ एक मुनिराज जो कि अपने स्थान पर रात्रि के समय में ध्यानस्थ थे और जब उनकी आंखें खुली और उन्होंने
जो निमित्त ज्ञान के धारी थे, एक नक्षत्र के कंपन को देखा और उनके मुख से आह निकल गई। तो उनकी आह को सुनकर के पास में ही बैठे हुए एक क्षुल्लक जी ने पूछा कि महाराज, आपकी मुख से आह सुनकर के ऐसा लगता है कि आपको कोई पीड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, उसका जो है यहाँ पर नक्षत्र को देखकर कि जरूर मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हो गई है, और उसको दूर करने में विष्णु कुमार मुनि समर्थ हैं। और वो छुलक जी कहते हैं कि महाराज, मैं उनके पास जाता हूँ। और वो विद्याधर थे पहले, विद्याधर जो है पहले भी बताया था कि विद्याधर यदि छुल्लक बनते हैं तो अपनी कुछ विद्याओं को, जिनमें आवागमन आदि की विद्याएं, वो अपने पास में रख सकते हैं। और वो कहते हैं उनके गुरु के उनके पास में विक्रिया रिद्धि भी प्राप्त हो गई है, लेकिन वो मुनिराज इतने निर्लिप्त हैं, अपनी साधना में ऐसे लगे हैं कि उनको क्या क्या उपलब्ध हो गया है उसकी और उनकी दृष्टि नहीं है। तो तुम जाकर के उनको बतलाओ, उनके माध्यम से ये उपसर्ग दूर हो सकता है। इधर वो महाराज अपनी बात पूर्ण ही नहीं कर पाते और उधर छुल्लक जी शीघ्रता से अपनी विद्याओं के माध्यम से विष्णु कुमार मुनिराज जो एक पर्वत पर ध्यानस्थ थे वहाँ पर पहुँचते हैं। और महाराज के ध्यान का कि महाराज का ध्यान टूटे इसमें विलम्ब हो सकता है, उन्होंने आवाज़ लगा लगा करके कि महाराज जल्दी उठो, बहुत बड़ा संकट मुनिराजों के ऊपर आया है। और महाराज अपने ध्यान से बाहर आकर के जब देखते हैं और सुनते हैं तो उन्हें कि हमें भी ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई है, उन्हें वहाँ पर उसकी परीक्षा के लिए अपने हाथ को फैला करके देखते हैं, सामने पर्वत था उसको भी भेद करके वो आगे बढ़ जाता है। तो वो सोचते हैं कि चलो, जहाँ मुनिराजों के ऊपर संकट आ रहा है उसमें एक पल का भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। और वो सीधे जहाँ रिद्धियों के धारी हैं तो वो जा कर के राजा पद्म के महल में उतरते हैं। और राजा पद्म और कोई नहीं, उनके ही बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, जहाँ महापद्म नाम के उनके पिता थे और जहाँ 12 चक्रवर्तियों का वर्णन आता है उसमें पहले तो चक्रवर्ती सभी लोग जानते हैं कि आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत हुए हैं, दूसरे चक्रवर्ती सगर नाम के हुए हैं, तीसरे चक्रवर्ती हैं मघवा, चौथे चक्रवर्ती हैं सनत कुमार, और आप लोग शांति विधान पढ़ते हैं तो पंचम चक्रेश्वर शांतिनाथ भगवान हैं, फिर छठे कुंथुनाथ, फिर सातवें जो हैं अरनाथ भगवान हैं, इसके बाद में आठवें चक्रवर्ती हैं शुभोम, और नवे चक्रवर्ती हुए महापद्म। तो ये नवे चक्रवर्ती जो महापद्म थे उनकी कुछ कन्याओं को विद्याधरों के पुत्रों ने हरण कर लिया और वो उनको लेकर के गए। यहाँ चक्रवर्ती हैं तो उनकी सेना ने उनके पीछे जाकर के उनको पकड़ करके वापस ले आए। और उस समय में उन्होंने इनको दंडित करने का कहा तो पुत्रियों ने कहा कि हमने तो संसार के स्वरूप को समझ लिया है, हमारे मन में तो दीक्षा लेने के भाव हैं। और आठों पुत्रियाँ दीक्षा के लिए अग्रसर होती हैं, जिन्होंने उनका अपहरण किया था वो विद्याधर के पुत्रों के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो भी दीक्षा के लिए चले जाते हैं और ये दृश्य देख करके चक्री के मन में भी वैराग्य हो जाता है। और वो दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो विष्णु कुमार उनके छोटे पुत्र रहते हैं, वो भी कहते हैं कि पिताजी हम भी आपके साथ दीक्षित होंगे। तब उस समय में पद्म को राज दे करके उन्होंने दीक्षा धारण की थी। तो जा करके विष्णु कुमार मुनि ने जब राजा पद्म को पता पड़ा कि विष्णु कुमार मुनि आए हैं तब उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं और वो उनके लिए कहते हैं कि तुम कुरु वंश के होकर के तुमने ये क्या कार्य प्रारंभ किया है, मुनिराजों को बंधन में बांध करके उनके ऊपर इस प्रकार का हिंसक जो है यज्ञ करने का कार्य करके तुमने अपने कुल की जो है जिसमें कि आग पहले जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ के समय में दान तीर्थ के प्रवर्तक अपने पूर्वज युवराज श्रेयांश हुए हैं, उनका नाम अभी भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन तुमने अपने कुल को जो है कलंक लगाया है।
उस समय में वो क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं तो अपने वचन में बंध गया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये छल मुनिराजों के ऊपर उपसर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। आप इसमें समर्थ हो, आप इस कार्य को करें और मेरा जो कुछ मेरी गलती का प्रायश्चित है वो आप मुझे प्रदान करें, ऐसी वो विनय करते हैं। तो यहाँ विष्णु कुमार मुनि कई मतों के अनुसार, जहाँ पर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में कि मुनि बेस में ही उन्होंने उपसर्ग दूर किया, और कहीं कहीं पर उन्होंने वृद्धि के माध्यम से बटुक का रूप बनाया, एक ब्राह्मण का रूप बना करके, और जिस राजा ने जो यज्ञ प्रारंभ किया है उसके साथ साथ में किमिच्छिक दान, जो जो मांगेगा उसके लिए वो दान दिया जाएगा, ऐसा जो है वहाँ पर सुन करके बटुक वहाँ पर पहुँचा है, और अच्छी जो है वेद की ऋचाएँ अच्छे मधुर स्वर में गाते हुए वो वहाँ पर भ्रमण करते हैं। राजा बलि जो अभी कुछ दिनों के लिए राजा बना हुआ है, उस ऋचा की आवाज़ को सुन करके और वहाँ पर आकर के उन बटुक के वेश को देख करके प्रभावित होता है और कहता है कि बटुक महाराज आपकी क्या आकांक्षा है। तो वो वहाँ पर कहते हैं कि हमने सुना है कि आप जो कोई मांग रहा है आप उनको वो दे रहे हैं, तो मेरी तो कामना ऐसी है कि मुझे छोटी सी अपनी कुटिया बनाना है, 3 पांव जमीन में चाहता हूँ। तो छोटा सा बटुक का रूप, और उस समय में बलि जो है मनी मन में सोचता है कि जैसा छोटा रूप है वैसी छोटी बुद्धि वाला है, और कहता है कि तुम तो और कुछ भी मांग सकते हो, और भी मांगो। तो वो कहता है कि नहीं, हमें तो बस इतना ही चाहिए। तो फिर बलि कहता है कि ठीक है, तुम्हें ये चाहिए तो किसी बड़े व्यक्ति के पैर से नपा लो कम से कम। तो कहते कि नहीं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। बलि फिर व्यंग करते हुए कहता है कि मैं आपके लिए ये दे तो रहा हूँ, लेकिन कम से कम उस झोपड़ी के बाहर, कुटिया के बाहर एक चबूतरा बनवा लेना जिस पर बैठ करके मैं आपके उपदेश को सुन लूँ, नहीं तो आपकी झोपड़ी आपकी कुटिया में घुसते समय तो मेरी पीठ ही टूट जाएगी, कमर ही जो है झुक जाएगी। तो उस समय में वो बटुक के रूप में वहाँ जहाँ मुनिराज हैं वो कहते हैं कि पीठ तो अहंकार की टूटती है, और यदि आप 3 पग देने के लिए तैयार हैं तो हाथ पर जलधारा छोड़ो, नहीं तो मैं आगे किसी और के द्वार को देखूं। तो वहाँ राजा बलि के नहीं नहीं ये लो, और कह करके उनके हाथ पर धारा छोड़ते हैं, और जैसे ही धारा छोड़ते हैं और फिर वो वहाँ पर अपने विक्रिया से बृहद रूप को निर्मित करते हैं। तो जो अभी कह रहा था कि छोटा सा रूप है, और देखते 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 उनके उसके सिर का जो मुकुट है वो नीचे गिर जाता है, और वो एक पैर से मेरु पर और एक पैर से मानुषोत्तर पर्वत के पास में, यानी पूरी 2.5 दीप जो मनुष्य लोग है उसके बाहर तो मनुष्य कभी जा नहीं पाता, चाहे रिद्धिधारी मुनिराज भी क्यों ना हो, 2.5 दीप के बाहर कोई भी मनुष्य जा नहीं सकता। बस केवल 2 अवस्थाओं में कोई एकेंद्री जीव मर करके मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, तो वो वहाँ पर उनकी आत्मा बाहर विग्रह गति में वहाँ पर मनुष्य के रूप में उस समय में रह सकती है, या कोई मारणांतिक समुद्घात करते हैं तब उस समय में जो एकेंद्री में उत्पन्न होने वाले हैं उनकी आत्मा 2.5 दीप से बाहर जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि मनुष्य 2.5 दीप से बाहर जा सके। तो उस समय में उन्होंने 2.5 दीप की पूरी धरा को नाप लिया है, तो वो वहाँ पर अब तीसरा पैर रखने के लिए जमीन नहीं है। तो बलि कहता है कि मेरी पीठ पर ही रख करके आप अपने वचन को पूरा करो, और वहाँ महाराज अपने जो बटुक के रूप में हैं अपने पैर को उसके पीठ पर रखते हैं, और वो वहाँ पर रोता रोता, और इतने में व्यंतर आदि देव आकर के कि महाराज इसको क्षमा करो क्षमा करो, ऐसा जो है वहाँ पर कहने लगते हैं, और वो जा करके जिनके ऊपर उपसर्ग किया है उनको वहाँ पर क्षमा मांग करके उनके बंधनों को वहाँ से दूर कर देते हैं। और जो महाराज 7 दिन से जहाँ भीषण उपसर्ग को सहन कर रहे थे, आज उनके आहार की बेला थी, यानी आज का ही दिन था वो जिस दिन उनके उपसर्ग को दूर किया था, और इतने दिन तक जहाँ जिनके आहार नहीं हुए हैं और गला पूरा धुएं आदि के माध्यम से रुंध गया है, तो उनके लिए सारे श्रावकों ने
नरम नरम जो है आहार का निर्माण किया था, जिसमें सेवई आदि ऐसी चीज़ें जिनमें ज़्यादा पुरुषार्थ दांतों से नहीं करना पड़ता, गले में सहजता से जो उतर जाती हैं, और उनका आहार आज पूर्ण हुआ। आज के बाद में कल के दिन कुछ लोग जो हैं, अन्य लोग जो कजलियाँ भुजरियाँ आदि भी ऐसा पर्व मनाते हैं, जिसमें जो गेहूं को बो करके जो खड़ी हो जाती ना, उनको वहाँ पर भुजरियाँ कजलियाँ बोलते हैं। तो जहाँ उनके चारों ओर जिसको वहाँ पर लगा दिया था, तो जिसके कारण में साधु आगे बिहार ना कर पाए, खड़ी हुई थी, और उस समय में जो वृद्ध लोग थे जो वहाँ पर मुनिराज के दर्शन करने नहीं जा पाते थे, उनके लिए लोगों ने वो कि वहाँ से ला करके दिखाई कि देखो उनका महाराज जी का रास्ता अब जो है वहाँ पर कोई अवरुद्ध नहीं है, महाराज जियों का बिहार हो रहा है और महाराज जी आहार करने के लिए घरों घरों जा रहे हैं। तो वो जो है पर्व वहाँ इस प्रकार से वहाँ जो है दिखाते हैं उनको, कजलियों को जो है एक दूसरे को वृद्ध आदियों को दिखाते हैं, वो कान आदि में लगा करके इस प्रकार का कार्य आज भी जो है लोग उस पर्व के रूप में कल परसों में इसको मनाते हैं। तो ये उसका प्रतीक है कि वहाँ पर चारों दिशाओं को उनके माध्यम से अवरुद्ध किया गया था। और जहाँ बहुत सारे श्रावक थे, आहार दान करने वाले साधु तो 700 थे, तो बाकी सब लोगों के यहाँ पर क्या करें, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जिन जिन घर में आहार हुए हैं उन उन घर के श्रावकों को आप लोग अपने अपने घर में जो है लेकर के जाओ, इसके माध्यम से कोई भी घर रिक्त नहीं रहेगा। और उस समय में कि किन किन के घर में आहार हुए हैं उनके लिए, उनकी पहचान के लिए उनके हाथ पर जो है धागे बांधे गए, तो वो ही रक्षा सूत्र के रूप में वहाँ पर प्रचलन हो गया। और उस समय में लोगों ने संकल्प किया कि ऐसा कभी संकट कोई धार्मिक व्यक्ति के ऊपर, कोई साधुओं के ऊपर आता है तो हम उसके लिए हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। तब से ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा। तो जहाँ जिस रक्षाबंधन पर्व के लिए जिन मुनिराज ने उपसर को दूर किया, उन्होंने बाद में प्रायश्चित लेकर के विष्णु कुमार मुनि ने, और पुनः जहाँ पर हरिवंश पुराण में तो उन्होंने मुनिपद में ही किया था, तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जहाँ उन्होंने अपने रूप आदि परिवर्तन किए थे, बाद में पुनः दीक्षित होकर के और मुनिराज ध्यानस्थ हुए और ध्यान में ऐसे लीन हुए कि उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और उसी भव से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जो मुनिराज अकंपन थे, आचार अकंपन थे, उनके जो शास्त्र थे उन्हें भी यथा योग्य सिद्ध पद और स्वर्गों को प्राप्त किया। तो ऐसा जो आज का पर्व है, जहाँ पर वात्सल्य पर्व के रूप में मनाया जाता है, जहाँ चार प्रकार के जो मंत्री हैं वो और कोई नहीं, अपनी चार कषायें हैं, जो क्रोध मान माया लोभ कषायें, उनके माध्यम से व्यक्ति कषायों के अतिरेक में कई प्रकार के अनर्थ करने के लिए जो है आगे बढ़ने लगता है। और तीन पग जो हैं वो वहाँ पर रत्नत्रय के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से इस संसार से मुक्ति मिलती है। और इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ अपन देखें तो जो मुनिराज ध्यानस्थ थे वो शुद्धोपयोग का रूपक है, और जो विष्णु कुमार मुनि उनके उपसर को दूर करने का प्रयास कर रहे थे वो शुभोपयोग का रूप है, और जो उपसर्ग कर रहा था वो अशुभोपयोग है। तो ऐसे अशुभोपयोग तो जो है केवल पाप का अर्जन करता है, इसलिए अशुभोपयोग से ऊपर उठ करके शुभोपयोग में श्रावक अपनी कार्यों को करता है, जिसके माध्यम से दान पूजा आदि रक्षण आदि जो होते हैं वो शुभोपयोग की क्रियाएं होती हैं। और श्रावक के लिए शुद्धोपयोग का अवकाश नहीं होता, तो जो शुद्धोपयोग की आराधना करते हैं उनकी आराधना करके और मन में भावना रखता है कि कभी हमारे लिए भी शुद्धोपयोग प्राप्त हो, और उसका वो प्रयास करता है। तो जो वात्सल्य पर्व, जहाँ पर साधर्मी के ऊपर यदि संकट हो और उस संकट को दूर करने के लिए यदि पुरुषार्थ नहीं करते, तो आचार्यों का कथन है कि उसको धर्म के प्रति कोई बहुमान नहीं, धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं। तो वात्सल्य का भाव अपने लिए, जहाँ उदाहरण के रूप में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा कि वत्से धेनु वत, जैसा बछड़े के प्रति गाय का प्रेम होता है, वैसा प्रेम जो है वात्सल्य साधर्मियों के प्रति होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले रोडमल जी सुना रहे थे हमारे लिए एक उदाहरण कि एक बार उन्होंने देखा एक जगह पर
एक गाय जो गर्भवती थी और वो एक किसी खाल में गड्ढे में कहीं पर उतर गई और वहीं पर जो है प्रसूति हो गई, यानी उस बछड़े का जन्म हो गया। अब वो ऐसे गड्ढे में थी, स्वयं तो उछल करके जा सकती थी लेकिन बछड़े को कैसे निकाले, तो वो वहीं पर 3 दिन तक वहीं पर निकली नहीं, वो भूखी प्यासी अपने बछड़े के साथ में रही और उसके परिवार वाले ढूंढ रहे थे, उनको तो नहीं मिली लेकिन किसी दूसरे को नज़र में आ गई, फिर उसने जो है उनको वहाँ से निकाला। लेकिन उसका जो है स्नेह अपने पुत्र के प्रति ऐसा रहता है कि उसको वो छोड़ करके नहीं गई। तो ऐसा जो है यहाँ पर जो साधर्मियों के प्रति अपना ऐसा वात्सल्य होना चाहिए जैसा गाय का बछड़े के प्रति, बिना अपेक्षा के वो आगे हमारी कोई सेवा करेगा ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रहती, ऐसा जो है वात्सल्य जो है साधर्मियों के प्रति होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, होता उल्टा है मतलब कैसा होता है कि अपन अपने ही जो जाति भाई हैं उन्हीं के साथ में ईर्ष्या करने लगते हैं। आचार्य जी ने एक बार उदाहरण सुनाया था एक कि एक जगह पर प्रदर्शनी लगी हुई थी जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं उनको दिखाने के लिए वहाँ पर प्रदर्शनी में सब लोग आ रहे थे। तो एक बच्चे ने वहाँ पर जो प्रदर्शनी के आयोजक थे उनसे कहा कि सर इसका जो है ढक्कन बंद कर दो, नहीं तो इसमें से जो है जीव निकल जाएंगे। और उन्होंने उसमें देखा तो उसमें देख करके उन्होंने कहा नहीं इसमें से कोई नहीं निकल सकता। तो कह ले क्यों, क्योंकि उसमें जो है केकड़े हैं और केकड़ों की ऐसी जो है स्थिति रहती है कि यदि एक बढ़ने का प्रयास करता है तो दो टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसके कारण में कोई जो है बढ़ नहीं सकता, यानी कोई बाहर निकल नहीं सकता। तो यहाँ जहाँ वात्सल्य होना चाहिए वो वात्सल्य तो नहीं लेकिन ईर्ष्या के कारण में किसी को बढ़ने नहीं देते। इसलिए बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि बनिया बामन नाउ जात देख गुर्राउ, बनिया ब्राह्मण और नाउ इनमें जो है अपनी जाति को देख करके गुर्राउ शब्द जो दिया है, जैसे स्वान जो है अपनी जाति भाई को देख करके कभी भी उसका जो है स्वागत नहीं करता, हमेशा जो है उसको गालियां देता है, यानी ईर्ष्या का भाव जो है अपने जाति भाइयों से रहता है। हमने पहले आपको उदाहरण सुनाया था बैरुण बैनूर और कारकल का कि जहाँ पर दोनों एक ही धर्म के अनुयायी लेकिन फिर भी वहाँ पर स्वयं के यहाँ जहाँ उन्होंने बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया है सामने वाले भी कर रहे हैं तो उनको नहीं आप नहीं करोगे नहीं तो आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी हम लोग पीछे रह जाएंगे, और युद्ध कर दिया, युद्ध की स्थिति यानी आक्रमण कर दिया उन्होंने उस मूर्ति की, फल्गु नदी है वहाँ पर उसकी रेत में छिपा करके उसकी रक्षा की, युद्ध किया, युद्ध में विजय प्राप्त करके उसको वहाँ पर खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद में फिर बाद में आगे चल करके जब महामस्तक अभिषेक करेंगे हम तो उस समय में फिर नहीं आप नहीं करोगे महामस्तक अभिषेक, एक दूसरे की जो है ईर्ष्या के कारण में आगे बढ़ने से रोकने का कार। आप कहोगे ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, लेकिन ऐसा नहीं, आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने मिल जाते हैं जहाँ पर ईर्ष्या का दिग्दर्शन होता है। एक जगह पर जहाँ पार्षद के चुनाव हो रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जो दो पार्टियां हैं तो उसमें एक व्यक्ति जैन जो है एक पार्टी से खड़ा हुआ था और एक दूसरी पार्टी से कोई दूसरा खड़ा हुआ था, और एक जैन निर्दलीय जो है खड़ा हो गया। अब वो बाद में हमारे पास में दर्शन करने के लिए आया तो लोगों ने हमको बोल दिया था कि महाराज जी देखो ये अपने जाति बंधु के ही वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। तो हमने उससे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि वो गलती से उसको जो है वहाँ पर पार्टी ने जो है कैंडिडेट बना लिया है, वो थोड़े दिनों बाद अपना नाम विड्रा करेगा, मेरा नाम जो है पार्टी आगे करेगी। मैंने कहा देखो ऐसे मुगालते में मत रहो, ऐसी गलत धारणाएं मत बना के रखो, कभी ऐसा नहीं होता कि पार्टी किसी का नाम जो पहले सोच समझ करके आगे रखती है फिर बाद में किसी और को बढ़ाए उसको वापस करे, ऐसा बहुत कम होता है। कहले महाराज यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूँगा, मुझसे बोल करके गया। लेकिन बाद में खबर आई, वहाँ बिहार हो गया हमारा तो कहीं और चले गए, लेकिन बाद में पास में ही जहाँ कहीं थे वहाँ पर खबर आई कि उस व्यक्ति ने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया, हटाया नहीं, और उसके कारण में मात्र 10-12 वोटों से, और वो भी वोट जो स्वयं काटे हैं उसके माध्यम से वो सामने वाले से हार गया। क्या है ये ईर्ष्या नहीं है तो क्या है? तो ऐसी ईर्ष्या जहाँ अपने लिए कहा जा रहा है कि अपने साधर्मी बंधुओं से वात्सल्य रखना चाहिए
लेकिन उसके बाद में भी साधर्मी बंधुओं से ही अपने ईर्ष्या के परिणाम होते हैं। अपन अपने जाति बंधुओं को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। आगम में भी वो एक उदाहरण आपने सुना होगा, जहाँ वो मित्र के लिए, जो मित्र का जो अभी पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो राजा से सम्मानित होगा, राजा का जमाई बनेगा, और उसकी पत्नी उसके घर में रह रही थी, तो वो वहाँ पर ईर्ष्या के कारण में उस पुत्र को मारने का प्रयास करता है। लेकिन उसने कई बार जो है मछली को जीवन दान दिया था, उसके कारण में उसके संकट जो है सारे दूर होते गए। और जो मुनिराज ने कहा था, नान्य था वादिनो मुने, और उसके लिए वहाँ पर सारे सम्मान प्राप्त होते हैं। लेकिन ईर्ष्या जो है इस प्रकार के कार्य कराती है, तो जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरे का हित करना चाहता है, और जो दूसरे का हित करता है उसमें वास्तव में अपना ही अहित होता है, क्योंकि दूसरे का जो पुण्य है वो उसका पुण्य आप कम नहीं कर सकते हो, आप अपने पुण्य को ईर्ष्या के माध्यम से जरूर निश्चित कम करते हो। तो इसलिए अपने लिए साधर्मी वात्सल्य का भाव इस पर्व के दिन सीखना चाहिए, जहाँ पर मुनिराज विष्णु कुमार ने सुनकर के, और इतने सारे मुनिराजों के ऊपर वो उनके साधर्मी थे, उनके उपसर्ग को दूर करने का प्रयास किया। एक बार सागर में जब एक परिवार में जहाँ पर जो मुखिया था उसका निधन हो गया, अब घर में कोई काम करने वाला नहीं, कैसे इनका जो है जीवन चलेगा, उस समय में बर्णी जी थे और उन्होंने वहाँ पर समाज को निर्देश दिया कि ऐसा करो आप कि एक चीज़ का व्यापार आप सब लोग जो है बंद करके उसकी दुकान इसके लिए खुलवा देते हैं, और कोई भी सामान लेने आएगा तो उस सामान को लेने के लिए उसकी दुकान पर भेजना, उसके माध्यम से उसके घर में जो महिला आदि है वो थोड़ा बहुत, उसके लिए छोटा बच्चा है, वो जैसे तैसे करके अपने जीवन को चलाने में समर्थ होगी। तो क्या आदर्श था कि पूरे समाज को जो है कोई भी घटक कमजोर पड़ता था तो उसके लिए पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। तो उसमें ऐसे जो है कार्यों को कि समाज का कोई भी वर्ग जो है कमजोर ना हो, सबका ध्यान रख करके सबको जो है आगे बढ़ाने का अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आपसे ही प्रश्न पूछते हैं, आपके घर में बहुत सारे जो सामान की आवश्यकता पड़ती है उसमें कभी कभी जो है ज्वेलरी भी लेते हैं, अनाज आदि तो जो है हमेशा ही खरीदते हैं, किराने का सामान भी हमेशा खरीदते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सारा सामान अपने जैन बंधुओं के यहाँ से खरीदते हैं? हाथ उठाओ। जैन बंधुओं के यहाँ से अपन सारा सामान खरीदते हो, है कोई? कोई हाथ नहीं उठाने को तैयार? क्या है, नहीं खरीदते? एक एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा? सब लोग क्या करते हो फिर? अपने समाज को ही कमजोर करने का कार्य कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे? जब अपन अपने जाति बंधुओं के लिए यदि समर्थन नहीं करेंगे तो कैसे जो है अपनी समाज सशक्त होगी? एक जगह जहां छोटी समाज थी, 15-20 घर की समाज थी, वहां पर हमने कहा कि आप सब लोग जो है अपने जाति बंधुओं के यहाँ से सारा सामान खरीदा करो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी यहाँ पे कोई किराने की दुकान ही नहीं है जैनों की। मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो ऐसा देखा है कि किसी गांव में यदि दो घर हैं तो उसमें दोनों की जो है किराने की दुकान है, और तुम बोल रहे हो 15-20 घरों में कोई की नहीं है। फिर कहने, नहीं नहीं महाराज जी दो हैं, दो हैं। फिर मैंने कहा, कैसी चल रही हैं? तो कहने, महाराज जी एक तो अच्छी चलती है लेकिन एक अच्छी नहीं चलती है। उनके घर में जो पत्नी है उसको कहीं यानी पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने कहा, यदि तुम लोग सारे 15-20 लोग हैं पूरे परिवार वाले कि इसके घर से ही हम सारा सामान खरीदेंगे, तो वो उसके लिए जो नहीं चल रही है वो भी अपने पैरों पर सशक्त हो सकता है। तो जब हम वात्सल्य के जो है स्वरूप को नहीं समझेंगे, अपने साधर्मियों के प्रति अपना वात्सल्य नहीं रखेंगे, तब तक अपनी समाज सशक्त नहीं हो सकती है। इसलिए अपने को इस पर विचार करके अपन जो जो सामान, कभी भी ज्वेलरी लेने के लिए भी कहीं बड़े शहर में भी जाते हो तो वहाँ पर भी देखो कि कौन जैन ज्वेलर्स है, अपना ही समाज का जो है व्यक्ति उससे मजबूत होगा, और वो कभी पैसा जो है लौट करके आपके मंदिर में आदि कहीं पर दान आदि में लग सकता है, लेकिन जो बाहर गया सो गया। अपन इस बारे में विचार नहीं करते, लेकिन अपने लिए इस वात्सल्य पर्व के दिन ऐसी छोटी छोटी बातों को विचार करके अपनी समाज को सशक्त करना चाहिए। जब तक अपन लोग सब लोग मिल करके नहीं रहेंगे तब तक जो है अपनी जो है शक्ति का अपन कहीं पर भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा जो है कि ये लोग बटे हुए हैं तो वो आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। जहाँ पर सब लोग मिल करके रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर सब लोग वहाँ पीछे रहते हैं कि नहीं भैया इनमें एकता है
और जहाँ कहते हैं कि छोटे छोटे जो धागे भी जब मिल करके जो है रस्सी का रूप लेते हैं तो बड़े बड़े कार्य करने में, बड़े बड़े बंधन बांधने में समर्थ हो जाते हैं। जहाज जैसे भी जो पानी में जो बहने वाले हैं उनको भी रोकने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये पर्व जहाँ जिसमें वात्सल्य पर्व कहा जाता है, साधर्मियों के प्रति अपने लिए किस प्रकार का भाव रख करके अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये पर्व के माध्यम से अपन सबके प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने धार्मिक जनों के प्रति, अपने साधुओं के प्रति अपने क्या कर्तव्य हैं इसको जागृत करने वाला ये पर्व अपने लिए प्राप्त हुआ है। और पर्व तो ऐसे होते हैं कि वो जो हैं अपने आप समय से आते, काल जो है एक समय में निकल करके अपने आप ही अपने आप को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्रों के दर्शन करने तो अपने को स्वयं जाना पड़ता है, लेकिन काल तो अपने आप इस प्रकार से हर साल जो है अपने लिए इन पर्वों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। लेकिन उन पर्वों का यदि अपन, चूँकि जो अपने आप प्राप्त होता है उसकी ज़्यादा कीमत नहीं करते, और जिसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके लिए कीमत समझी जाती है, तो फिर उसके माध्यम से अपन ज़्यादा लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा ना समझ करके अपने लिए जो पर्व मिला है उसका लाभ अपने लिए पूरा लेकर के, अपनी जो भी कमियां हैं उनको दूर करके अपने लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ की समाज जो है एक है, और हर कार्य में जिस जिस चीज़ों में अपनी कमी है उनको दूर करके अपने को एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए।